आत्महत्या के एक पुराने केस में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कार्यवाही की है। मुंबई पुलिस ने घर में घुसकर अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सीआईडी ने 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अर्णब को अलीबाग ले जाया गया है, ये जानकारी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने दी है। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अर्णब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की है। एजेंसी ने रिपब्लिक टीवी चैनल के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिनमें पुलिस गोस्वामी के घर के अंदर घुसती दिख रही और झड़प भी हो रही है। फिलहाल इस खबर के साथ ही हैशटैग अर्णब गोस्वामी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। एएनआई के मुताबिक अर्णब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने उनके ससुर सास बेटे और पत्नी के साथ मारपीट की है। रिपब्लिक टीवी पर जो वीडियो चल रहे हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस अर्णब से बदसलूकी करती दिख रही है। वहीं जावेदगर ने की गिरफ्तारी की निंदा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेदगर ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। प्रकाश जावेदकर ने ट्वीट किया, हम महाराष्ट्र में प्रेस की आजादी पर हमले की निंदा करते हैं। ये प्रेस के साथ बर्ताव का तरीका नहीं है। यह हमें आपातकाल के उन दिनों की याद दिलाता है जब प्रेस के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया था। वहीं उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर लिखा, मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वह निंदनीय है। ये इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। दरअसल ये मामला 2018 का है जब एक 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अर्णव नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने मई 2018 में अलीबाग में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद एक सुसाइड नोट मिला था जो कथित तौर पर अन्वय द्वारा लिखा गया था। इस सुसाइड नोट में उन्होंने कहा था कि अर्णव गोस्वामी और दो अन्य ने उन्हें 5.40 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा।